एजेंट क्या था? एजेंट कोई भी चीज हो सकती है जो कि एनवायरनमेंट से परसीव करे सेंसर्स के जरिए एंड एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म करे एक्चुएटर्स के जरिए। हमने फिर उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी, फिर हमने ये बात की थी कि परसिव क्या होता है, परसिव सीक्वेंस क्या होता है। फिर हमने वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ली थी। फिर हम आए थे रैशनल एजेंट पे। रैशनल एजेंट क्या होता है? वो जो सही काम करे, राइट थिंग, वन दैट डज द राइट थिंग। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट थिंग? दैट कॉज द एजेंट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल। हर वो काम जिससे उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही होगी वो चीज क्या कहलाएगी? उस एजेंट के लिए सही काम कहलाएगी, राइट थिंग कहलाएगी। तो डेफिनेटली वी डू हैव सम वे ऑफ मेजर सक्सेस। हमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिसके बिहाफ पे हम एजेंट की परफॉर्मेंस चेक कर सकें। एक एजेंट अगर कोई काम कर रहा है, अगर एक एजेंट कोई काम कर रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो काम जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा? तो कोई ना कोई परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए। तो हमने ये बात की थी कि रैशनलिटी जो होती है वो चार चीजों पर डिपेंड करती है। वो चार चीजें क्या थी? एनीवन, रैशनलिटी जो होती है किसी भी एजेंट की वो चार चीजों पर डिपेंड करती है। क्या चीज होती है वो चार, कोई बताएगा? पीस, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर। वंडरफुल, सब लोगों ने बता दिया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर। तो हमें एजेंट डिजाइन करने से पहले इन चार चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम आए थे और हमने कुछ एग्जाम्पल देखी थी कि भाई अगर किसी एजेंट की हम बात करें तो उसके पीस क्या होंगे। तो हमने टैक्सी ड्राइवर की एग्जाम्पल देखी थी, पार्किंग रिपोर्ट, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, डिजीज क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। फिर हम वापस आए थे और हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज ओमनी साइंड एजेंट। तो ओमनी साइंड एजेंट वो होता है दैट नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन इन एडवांस। मतलब जो भी वो काम करेगा उसका एक्चुअल आउटकम उसे एडवांस में पता हो और उसके अलावा कुछ ना हो। लेकिन हाउ एवर दिस इज इम्पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। हमने इस पर डिटेल बात कर भी ली थी। फिर हम आए थे लर्निंग पे कि पास्ट परसिव सीक्वेंस को भी वो यूज करे, सिर्फ रन टाइम पे करंट परसिव के बिहाफ पे डिसीजन ना ले रहा हो। तो ऑटोनोमस का कॉन्सेप्ट आया था, ऑटोनोमी का। ऑटोनोमी क्या है कि एजेंट जो है वो सिर्फ प्रायर नॉलेज पे अगर रिलाय कर रहा है और रन टाइम पे कोई करंट परसिव इनपुट नहीं ले रहा तो उसमें ऑटोनोमी नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है। तो रन टाइम पे भी इनपुट लेना चाहिए क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को क्या करना है, अपने बिहेवियर को आपने एडजस्ट करना है इफ यू आर एन एजेंट। तो ये तमाम बातें होने के बाद हम वापस आए थे और हमने कहा था कि एजेंट जितनी तरह के एनवायरमेंट में काम कर रहा होता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। याद आ रहा है कुछ? एजेंट जितनी तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी क्या आती है? फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब ये क्या था? हमने ये बात की थी कि अगर एक एजेंट को उसके सेंसर्स अगर एक एजेंट को उसके सेंसर्स कंप्लीट एनवायरनमेंट पे एक्सेस देते हैं, कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट पे एक्सेस देते हैं एट एच पॉइंट ईच पॉइंट इन टाइम, मतलब हर वक्त उसको कंप्लीट एनवायरनमेंट पे एक्सेस मिल रहा होता है, तो वो एनवायरनमेंट कहलाता है फुली ऑब्जर्वेबल। लाइक चेस बोर्ड, टिक टैक टो गेम, वैक्यूम क्लीनर भी हो सकता है अगर कैमरा या वो सेंसर जिसके बिहाफ पे उसे इनपुट मिल रहा है वो टॉप पे लगे हुए हो, छत पे लगे हुए हो, रूम की टॉप पे लगे हुए हो, उसको पूरे रूम का एनवायरनमेंट एक्सेस मिल रहा हो, तो ये कहलाएगा फुली ऑब्जर्वेबल। पार्शली ऑब्जर्वेबल क्या होता है? लाइक टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता कि आगे के एनवायरनमेंट में क्या है, सामने वाली गली में क्या है, पीछे वाली गली में क्या है। ऑल दो के दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दैट एनवायरनमेंट, बट उसको सिर्फ वो जगह दिख रही है जहां पर वो मौजूद है क्योंकि हमने डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है। इसी तरीके से जो फाइटिंग गेम्स होते हैं वो भी क्या है? वो भी पार्शली ऑब्जर्वेबल क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले रूम से या सामने वाली स्ट्रीट से या सामने वाली बिल्डिंग से कोई एनिमी कब निकल के आ जाए, हमें हर वक्त एक्सेस नहीं है।
आर यू गेटिंग मी? अच्छा जी, फिर अगर हम आगे बात करें, दूसरी कैटेगरी क्या थी? डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। अब डिटर्मिनिस्टिक क्या है, स्टोकास्टिक क्या है? लाइक नेस्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट। अब स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो बेसिकली स्टेट चेंज होती है। लाइक टिक टैक टो के अंदर अगर आप गेम खेल रहे हैं तो अभी आपने अगर फन पोजिशन पे बनाया है तो ये एक स्टेट है। अब यूजर के पास उसके जो कंप्यूटर है अगर उसके पास 8 ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या है कि उससे वो 8 स्टेट बना सकता है पॉसिबल, उससे वो 8 स्टेट बना सकता है पॉसिबल। तो चलिए मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, शायद आपको अभी भी वो चीज़ क्लियर नहीं है। मैं एक दोबारा से एक चीज़ आपसे पूछता हूँ। जब मैं टिक टैक टू खेल रहा हूँ, फर्स्ट करें फर्स्ट टाइम मेरा है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर मैं टिक टैक टू खेल रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? सबको पता है 9 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं 9 ऑप्शन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ 2 बना रहा हूँ। फर्स्ट करें मैंने यहाँ बनाया होता या मैंने यहाँ बनाया होता। सिमिलरली यू कैन इमेजिन कि 7 ऑप्शन और बना सकता था मैं। आर यू गेटिंग मी? 7 ऑप्शन और बना सकता हूँ मैं। अब फर्ज करें ये ऑप्शन मैंने बनाया है, अब आपके पास कितने कितने ऑप्शन हैं? आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, ये सिनेरियो समझ लीजिएगा। स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट स्पेस क्या होता है? यहाँ पर मैंने मेरे पास 9 ऑप्शन हैं, उनमें से कोई एक मैं चूज करूंगा, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 8, ऐसा ही है? इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ बनाया होता तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते? 8 ऑप्शन होते। इसका मतलब है स्टार्ट में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 9। स्टार्ट में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 9। और अगर उन 9 में से अगर मैं उनकी काउंटिंग करूं, देखें मैं इस तरह से टाइप करता हूं 1 2 3, और थोड़ा दूर करके कर लेता हूं। फर्ज करें ये मेरी बारी है, सही है। सपोज करें कि मैंने ये ऑप्शन चूज किया होता, इस ऑप्शन को मैं कह रहा हूँ स्टेट, जरूरी नहीं है वन पोजीशन पे बनाओ, ये कहीं भी बनाओ, ये एक स्टेट है। इसका मतलब इससे आपके पास कितने ऑप्शंस होते? 8, ऐसा ही है? अगर मैं यहाँ नहीं बनाता, मैं इस वाली जगह पे बनाता सेकंड वाले पे, तब भी आपके पास कितने ऑप्शंस होते? 8। अगर मैं यहाँ नहीं बनाता आपके पास कितने ऑप्शंस होते? 8। यहाँ पर भी कितने ऑप्शंस होते? 8, 8, यहाँ पर भी 8, एंड सो ऑन। मुझे जरा एक नंबर बताइएगा आखिर में जो मैं पूछूंगा आपसे, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां बनाया होता तो आपके पास 8 ऑप्शन होते, लेकिन अगर मैंने यहां बनाया होता तब भी आपके पास 8 ऑप्शन होते। इसी तरीके इसका मतलब क्या है कि शुरू में अगर मैं ट्री के स्ट्रक्चर को समझूं, ट्री के स्ट्रक्चर को समझूं, तो सबसे पहले मेरे पास कितने चाइल्ड बन सकते हैं? 9 चाइल्ड बन सकते हैं। कितने चाइल्ड बन सकते हैं? 9, क्योंकि मेरे पास कितने ऑप्शन है? 9। तो आप मुझे बताइए आपके पास कितना चाइल्ड बन सकते हैं? दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। स्टार्ट में जब मैंने गेम खेला तो सबसे पहले मेरे पास कितने ऑप्शन है? 9। अब आप मुझे बताइए आपके पास सेकंड लेवल पे, अगर ये फर्स्ट लेवल है, मैं इसको और डिजाइन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए एक ही दफा में। ये देखें मैंने ये बनाया, इसी तरीके से मैंने यहां बनाया, एंड सो ऑन। तो ये 4 मैंने बना दिए। अब इससे आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 8। इससे भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 8। इससे भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 8। इससे भी आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 8। सबसे आपके पास 8 ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर फर्ज करें कि एक और मैं बना दे दूं, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब अगर मैंने ये बनाया होता तो आपके पास कितने ऑप्शन होते? 8। ये बनाया होता तो आपके पास कितने ऑप्शन होते? 8। तो अगर फर्ज करिए इस पूरे लेवल पे मैं बात करूं कि यहां मेरी 9 के 9 चाइल्ड बने हुए, आपके कितने बन जाएंगे टोटल? नहीं, दोबारा सुनिए। 8 तो सिर्फ एक से बन रहे हैं ना, इससे कितने बन रहे हैं? इस एक से कितने बन रहे हैं? इस एक से कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। इससे भी कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। इससे भी कितने बन रहे हैं? 8। इससे भी कितने बन रहे हैं? 8, 8, 8, 8। तो ये कितने टोटल थे? 9। 9 8 कितना होता है?
98 का क्या होता है 72, 98 का कितना होता है 72। ये पॉइंट जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता, दोबारा गौर से सुनिएगा। चलें छोड़ेंगे टिक टिक टॉक की एग्जाम्पल, फर्ज करें हम क्लास रूम में बैठे हुए, क्लास रूम में हमारे पास तीन सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं तीन, फर्ज करें क्लास रूम में बैठे हुए तीन सीट्स हैं, आप जाते हैं आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं आप, तीन जगह पे बैठ सकते हैं, ऐसा ही है ना, ये सबको क्लियर हो गई बात, तो मैं इसको अलग अलग बना देता हूँ। देखिए जब भी पॉसिबिलिटीज की बात होती है हमें नहीं पता होता कि कौन क्या पॉसिबिलिटी चूज करेगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज को टोटल को काउंट कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर मैं क्लास रूम की एग्जाम्पल समझूं तीन सीट वाली, सबसे पहले आप आए, आपने कहा भाई मैं यहां बैठ जाता हूं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन भी था और आपके पास ये ऑप्शन भी था, ये बात समझ में आ गई सबके, सबकी समझ में आ गई ये बात। अब आपका दोस्त आता है, आपका दोस्त आपके बाद आएगा, सबसे पहले कौन आए, आप आए, अब आपका दोस्त आपके बाद आया, तो बताएं अगर आप यहां बैठे होते तो उसके पास कितने ऑप्शन होते, अगर आप यहां बैठे होते तो उसके पास कितने ऑप्शन होते, दो, सही है। अब हम उसको डिजाइन कर लेते हैं, अब उसको डिजाइन कर लेते हैं, देखें वी बिलीव कि आप यहां बैठे हुए और वो कहां बैठ गया, वो यहां बैठ गया, या आप यहीं बैठे हुए और वो सेकंड वाले पे नहीं बैठा, वो कहां बैठ गया, थर्ड वाले पे। तो अगर मैं इसको ट्री के स्ट्रक्चर में बनाऊं तो इस वाली नोड से मेरे कितने चाइल्ड निकल सकते हैं, दो चाइल्ड निकल सकते हैं, एक दिस वन एंड दिस वन। ये बात सबकी समझ में आई, ये बात सबकी समझ में आई, किस किस की समझ में नहीं आई पहले ये बताइए। फिर ये वाली बात कि अगर आप यहां बैठे हुए हैं तो उसके पास दो ऑप्शन हैं, तो इससे कितने ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन निकल रहे हैं, ये सबकी समझ में आ रही है बात, ये बात सबकी समझ में आ रही है। तो एक अगर मैं यहां बैठा होता या आप यहां बैठे होते तो आपके दोस्त के पास कितने ऑप्शन थे, दो, लेकिन अगर आप यहां बैठे होते तब भी आपके पास दो ऑप्शन थे दोस्त के पास, एक यहां और एक यहां, तो इसका मतलब इससे भी दो चाइल्ड निकल सकते हैं, इससे भी दो चाइल्ड निकल सकते हैं। आर यू गेटिंग मी, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है अगर मैं इस स्ट्रक्चर को समझूं तो शुरू में मेरे पास तीन ऑप्शन थे, तो मेरे दोस्त के पास कितने ऑप्शन हो गए, दो दो, तो अगर मैं तमाम चाइल्ड काम करूं तो दो दो दो, कितने हो गए टोटल, छह हो गए, कितने हो गए टोटल, छह हो गए। क्लियर हो गई ये बात, सबको क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई ये बात। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं आया तो मेरे पास तीन ऑप्शन थे, मेरा दोस्त आया तो उसके पास 3x2 थे, मेरा दोस्त आया तो उसके पास 3x2 क्यों थे, क्योंकि मेरे पे डिपेंड करता है वो। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसका मतलब है फर्स्ट लेवल पे अगर 3 चाइल्ड हैं तो सेकंड लेवल पे हर किसी से दो निकल लें तो 3x2 आएगा आंसर। ये बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट कर लें आपका एक तीसरा दोस्त भी है, कितने दोस्त हैं आपके, एक दोस्त और है। अब अगर वो आपने ये चूज किया होता, अगर आपने ये चूज किया होता और आपके दूसरे दोस्त ने ये चूज किया होता तो तीसरे के पास कितना ऑप्शन रह जाता, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। इज इट क्लियर? अब आए वापस टिक टिक टू पे आते हैं। शुरू में आपके पास कितने ऑप्शंस थे, नाइन, शुरू में आपके पास कितने ऑप्शंस थे, नाइन। अब अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया तो आपके दोस्त के पास कितने ऑप्शंस हो गए, आठ, लेकिन अगर ये चूज किया होता तब भी कितने थे, आठ, अगर ये चूज किया होता तब भी कितने थे, आठ, अगर ये चूज किया होता तब भी कितने थे, आठ, ये चूज किया होता तब भी कितने थे, आठ। तो इसका मतलब है सेकंड लेवल पे टोटल ऑप्शन कितने हो गए, चूंकि नाइन नाइन पेरेंट हैं और हर पेरेंट से कितने चाइल्ड निकल रहे, आठ, तो टोटल ऑप्शन कितने होगा सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल पे कितने ऑप्शन होगा, 9x8, 9x8 क्या आंसर आ गया, 72। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आई ये बात? इसका मतलब है सेकंड लेवल पे 72 चाइल्ड बन चुके होंगे या 72 स्टेट्स बन चुकी होंगी। अब उन 72 में से सबसे पहले वाली को सपोज कर लेते हैं, इसका मतलब है आपने यहां बनाया, आपने यहां बनाया और आपके दोस्त ने जो आपके साथ गेम खेल रहा है या फर्ज करें कंप्यूटर ही है, हाँ बिल्कुल, एक मिनट,
मैं एक चीज समझा दूं बेटा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि देखें, आपने यहां बनाया और आपके दोस्त ने यहां बना लिया, फर्ज कर लें, वो यहां भी बना सकता था, वो यहां भी बना सकता था, क्योंकि 8 ऑप्शन थे। अब आपकी बारी है दोबारा, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन है आप मुझे बता सकते हैं? आपने यहां बनाया हुआ है, आपके दोस्त ने यहां बनाया हुआ है, आपके पास कितने ऑप्शन है? सबको क्लियर हुई है? 7। इसका मतलब है 72 स्टेट्स में से जो पहली स्टेट चूज की है उसके पास कितने ऑप्शन है? 7। तो 72 में से जब दूसरी स्टेट चूज करूंगा उसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे? 7। 72 में से जब 3 स्टेट चूज करूंगा तो उसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे? 7। इस लेवल पे कितने लोग थे? नहीं नहीं 72 8 नहीं, यहां कितने लोग थे टोटल? 72। ये मैं जो बनाया कितने ही बेटा, अरे यार हाँ 72 थे ना यहाँ पर। सेकंड लेवल पे कितने लोग थे? 72। तो थर्ड लेवल पे कितने होंगे कोई बता सकता है? नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये समझ में नहीं आएगी बात। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैंने लिखा हुआ है 70 × 7, मैंने लिखा हुआ है 70 × 7, फिर आप लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। नहीं, आप नंबर नहीं बताए मुझे, सिर्फ लॉजिक समझे। देखें यार दोस्त, अब सबको छोड़े, बोर्ड नहीं बना रहा मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अच्छा जी ये समझिए भाई जरा, ये देखें, ये वो आपके 9 ऑप्शन हैं जो आप, ये वो ऑप्शन है आपके जो आप स्टार्ट में बनाते, बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझ गए हुसैन, मैं बाकियों को समझा रहा हूँ। ये वो ऑप्शन है 9 जो आप बना सकते थे, ऐसा ही है। ये सबके क्लियर हो रही है बात? ये सबके क्लियर हो रही है बात? सही है। अब ये देखें, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, पूरा बोर्ड बनाने में टाइम लग रहा है, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। अब ये देखिएगा जरा, अगर मैं ये ड्रॉ करूं और आपको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं, अगर आपने 1 पे बनाया होता तो आपके दोस्त के पास ऑप्शन होता है कि आपका 1 पे बना हुआ और उसने कहा बना दिया 2 पर, आप 1 पर ही हैं, उसने कहा बना दिया 3 पर, आप 1 पर ही, उसने कहा बना दिया 4 पर, आप 1 पर ही, उसने 5 पर, 1 6 1 7 1 8 1 9, तो ये कितने होगा? 3 3 6 2 8। ये समझ में आ गई सबके बात? लेकिन फर्ज करिए आपने बनाया होता 2 पर, तो उसके पास क्या ऑप्शन होता? वो 1 पर बना सकता था, आप 2 पर ही हैं, वो 3 पे बना सकता था, आप 2 पर हैं, वो 4 पे बना सकता था, आप 2 पर हैं, वो 5 पे बना सकता था, आप 2 पर हैं, वो 6 पे बना सकता था, आप 2 पर हैं, वो 7 2 8 एंड 2 9। ये इसको बना देता हूं मैं ऐसे, ये क्लियर हो रही है बात? ये क्लियर हो रही है बात? बात क्लियर हो रही है? सबको क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब आ जाए वापस। अब इसका, इस 1 2 का मतलब क्या है? ये 1 आप है और उसने 2 पे बनाया है। इस 1 3 का मतलब क्या है? ये 1 आप है और उसने 3 पे बनाया है। इस 1 4 का मतलब क्या है? आप 1 है और उसने 4 पे बनाया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाते हैं इसी तरीके से 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी। आप जब एक बड़ा स्पेस पढ़ रहे होते हैं ना, आप जब एक बड़ा ट्री पढ़ रहे होते हैं तो पूरे ट्री को नहीं डिजाइन किया जाता, कभी भी कंप्लीट ट्री को डिजाइन नहीं किया जाता बोर्ड पे या कॉपी में, सिर्फ उसके 1 2 चाइल्ड जनरेट करके हम समझ लेते हैं। अब ये वो चीज है कि आपने 1 पे बनाया हुआ, उसने कहा बनाया हुआ 2 पर, तो इसका मतलब क्या है? जब हम चलेंगे तो आपका 1 पर, उसका 2 पर, आपके पास अब क्या ऑप्शन है? आप 3 पे बना लो, आप 1 पर, उसने 2 पर, आप 4 पे बना लो,
अब वन पर वो टू पर आपने फाइव पे बना लिया, अब वन पर वो टू पर वो अपने का बना लिया सिक्स पे बना लिया, अब वन पर टू पर वो सेवन पे आपने बना लिया, अब वन पर टू पे उसने बनाया हुआ आपने एट पे बना लिया, अब वन पर टू पे उसने नाइन पर। इसका मतलब है शुरू के दो बन चुके हैं और अब उसके पास क्या ऑप्शन है, आपने थ्री पे बना लिया या फोर पे या फाइव पे। ये बात समझ में आई सबके? इसका मतलब है अगर आपने वन पे बनाया हुआ है और उसने टू पे बनाया हुआ है तो उसके पास अब कितना, आपके पास कितना ऑप्शन है, सात। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर उसने वन पे बना, मैं एक चाइल्ड और जनरेट करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखें। लेकिन फर्ज करें आपने वन पे बनाया हुआ और उसने थ्री पे बना लिया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप टू पे बना लें, वो वन पर थ्री पर आप फोर पे बना लें, वो वन पर थ्री पर आप फाइव पे बना लें, वो वन थ्री आप सिक्स पे बना लें, आप वन वो थ्री आप सेवन पे बना लें, आप वन वो थ्री आप एट पे बना लें, और वो वन आप वन वो थ्री और आप नाइन पे बना लें। ये हो गया इसका दूसरा सबसेट। अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो ये इससे निकल के आ रहा है। तो देखें अगर मैं इस, ये लेवल वन है, ये लेवल वन क्यों है, क्योंकि ट्री का पहला लेवल है, ये लेवल टू है, इसमें 72 लोग थे, कितने 72, क्यों, क्योंकि हमने देख लिए 16 और हमने बाकी नए डिजाइन किए 3, 4, 5 के। अब आ जाएं इस 1, 2 के पास कितने ऑप्शन है, सात। इस 1, 3 के पास कितने ऑप्शन है, सात। एंड सेम गोज फॉर ऑल द वे 72 के पास कितने ऑप्शन, सात। तो इसका मतलब है इस लेवल पे जो चाइल्ड होंगे वो होंगे 72 × 72 × 7। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूं तो ये देखें, ये हो गया 9 × 8। अगर मैं यहां लिखूं तो ये हो गया 72 × 7। ये बात समझ में आई सबके? और अगर 72 को भी ब्रेक करके लिखूं तो क्या बन रहा है, 9 × 8 × 7। ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर मुझे बता दे को यहां इस फोर्थ लेवल पे क्या आएगा, फोर्थ लेवल पे क्या आ सकता है, कितने चाइल्ड आ सकते हैं? बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है ना भाई। तो ये दो लोगों ने अगर जवाब दिया तो बाकियों को भी जवाब देना चाहिए। ये देखें 1, 2, 3 के पास कितने ऑप्शन होंगे आप। अब अगर मैं 1, 2, 3 का एक सेट बनाऊं, सॉरी 1, 2, 3 का, ये देखें 1, 2, 3 आपके पास, उसके पास ऑप्शन है, उसने 4 बना लिया, 1, 2, 3 5 बना लिया, 1, 2, 3 6 बना लिया, 1, 2, 3 7 बना लिया, 1, 2, 3 8 बना लिया और 1, 2, 3 9 बना लिया। कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग हैं। तो अगर फर्दर एक लेवल नीचे जाऊंगा तो 5 ऑप्शन, फिर लेवल नीचे जाऊंगा तो 4 ऑप्शन, 3, 2, 1। तो ये जो टिक टैक टो गेम होता है, सिर्फ ओनली फॉर टिक टैक टो, जो पूरे ट्री का लेवल होता है वो होता है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 9 factorial। क्या बन गया, बिल्कुल 9 factorial हो गया। तो टिक टैक टो का जो पूरा स्पेस होता है वो कितना होता है, 9 factorial। कितना होता है, 9 factorial। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर ये 9 factorial आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करें और उसकी वैल्यू निकालें तो इसका मतलब है जब आप टिक टैक टो खेलते हैं तो 9 factorial तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस बोर्ड के। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 9 factorial तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस बोर्ड के। इसका मतलब क्या है कि आप कोई सा भी एक बोर्ड पे खड़े हो सकते हैं किसी भी वक्त। समझ में आ गई ये बात? ये कहलाता है इसका स्टेट स्पेस। क्या कहलाता है, स्टेट स्पेस। क्या कहलाता है, स्टेट स्पेस। और इनमें से आपके जीतने के बोर्ड कितने हैं, कोई बता सकता है कि जीतते कभी आप टिक टैक टो में? टिक टैक टो के अंदर आप जीतते कब हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही है ना। मैं एक दो लिख देता हूं, 1, 2, 3 सेम होना चाहिए, 4, 5, 6 सेम होना चाहिए, 7, 8, 9 सेम होना चाहिए, 1, 4, 7 सेम होना चाहिए, 2, 5, 8 सेम होना चाहिए, ऐसा ही है, 2, 5, 8 सेम होना चाहिए,
369 सेम होना चाहिए, मतलब मैं रैंडम लिख रहा हूँ, आपको पता है बेहतर, आप बेहतर जानते हैं, ठीक है 159 बिल्कुल, ठीक है इसके अलावा बताइए, 4 सॉरी 3 5 7 और बताइए, और कोई है या मैंने, और कोई है, सब हो गए पूरे, तो टोटल 8 तरीके से आप जीत सकते हैं टिक टैक टो के अंदर, समझ रहे हैं, टोटल 8 तरीके से आप जीत सकते हैं टिक टैक टो के अंदर। तो इसका मतलब ये जो 9 फैक्टोरियल है इसमें से 8 बोर्ड आपके लिए हैं जीतने के लिए और 8 बोर्ड आपके दोस्त के लिए भी जीतने के लिए, वो ढूंढने होते हैं आपने बस। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, जो गेम एग्जाम्पल होती है उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ स्टेट स्पेस की और एक एग्जाम्पल। फर्ज करिए आप यहाँ खड़े हैं, ये आपका घर है, अब आप बाहर निकले, आप बाहर निकले और ये देखें, ये आपका घर है, ये आपका घर है, अब आप बाहर निकले, आपके पास 4 ऑप्शन है, ये तो देखें गेम था, तो गेम में तो एक स्टैंडर्ड तरीका चल रहा है, ये 4 ऑप्शन क्या है कि आप इन 4 जगहों पे जा सकते हैं। फर्ज करें ये ऑप्शन बी है, फर्ज करें ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर ए के आपके घर से 4 ऑप्शन थे, फर्ज करें ये आपकी सामने वाली के लिए, जब आप बी में पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं है कि बी के पास भी 4 ऑप्शन हो सकता है, बी में सिर्फ 2 ही रास्ते जाते हो, तो बी से हो सकता है सिर्फ 2 रास्ते जा रहे हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ एफ और जी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी है टिक टैक टो की उसके अंदर अगर सबके चाइल्ड सेम थे तो यहाँ पर भी सबके चाइल्ड सेम हो सकता है डी बंद हो गली, एक आपके सामने जो गली है डी गली, उस गली में कोई रास्ता ही नहीं जाता, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उसका कोई चाइल्ड ही ना हो, ये बात समझ में आ रही है। तो ये फिक्स नहीं होता स्टेट स्पेस, गेम्स वगैरह के स्टेट स्पेस फिक्स होते हैं लेकिन हर चीज के स्टेट स्पेस फिक्स नहीं होते। आप कराची का मैप समझ लें, गूगल मैप, आप खड़े में हैं, फर्ज करें आप खड़े में हैं नीपा चौरंगी में, तो नीपा चौरंगी से देखें 4 रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है मिलीनियम की तरफ, एक जा रहा है यूनिवर्सिटी रोड की तरफ सफूरा की तरफ, एक जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ, एक जा रहा है गुलशन की तरफ, लेकिन हो सकता है कि आप किसी कराची की ऐसी चौरंगी पे खड़े हो जहां से सिर्फ 2 रास्ते जाते हो, हो सकता है आप अंडा मोड़ पे खड़े हो जहां से 5 चौरंगियां जाती हो, हो सकता है आप किसी और ऐसी जगह पे खड़े हो जहां से सिर्फ 1 ही रास्ता जाता हो, इज इट क्लियर। तो ये जो स्टेट स्पेस बनता है रन टाइम पे बनता है, आप पहले फिर डिजाइन नहीं करते, वरना स्टेट स्पेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो जिनकी आपको जरूरत होती है उन्हीं को आप डिजाइन कर रहे होते हैं। अब फर्ज करें यूजर ने ये बनाया तो मैं इसके चाइल्ड बनाऊंगा, इन सबको इग्नोर कर दूंगा, समझ रहे हैं, इनको मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब यूजर ने ये चूज कर लिया है तो मेरे लिए ये सारी चीजें बेकार हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आपने गेम की एग्जांपल देखी है, इस गेम की एग्जांपल के अंदर आपका स्टेट स्पेस फिक्स था, क्योंकि 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, वो टिक टैक टो की एग्जांपल थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एग्जांपल में इस तरह से हो कि आप उसका स्टेट स्पेस फर्स्ट करें, आपके फर्स्ट लेवल पे 6 लोग हैं तो आप बोलेंगे नहीं सर स्टेट स्पेस तो 6 फैक्टोरियल होगा, ऐसा नहीं है हर जगह, मैंने आपको टिक टैक टो का स्टेट स्पेस समझाया बस, इज इट क्लियर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मुझे बताइए ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, ब्रांचिंग फैक्टर कह रहा हूँ, बाइनरी ट्री जो होती है, बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 लाजमी होंगे, हो सकता है किसी का 1 चाइल्ड हो सकता है किसी का कोई चाइल्ड ना हो, समझ रहे हैं। तो अगर फर्स्ट कह मैं ब्रांचिंग ट्री बना रहा हूं, तो अगर ये ए है तो इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैं एबीसी क्यों यूज कर रहा हूं, मैं एबीसी इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो लिखने में, बिल्कुल मिनिमम 0 ही होते हैं चाइल्ड, ठीक है, मिनिमम 0 जब होते हैं जब वो लीफ बन जाता है। आप सोचिए कि आप कराची में ऐसी जगह पे चले गए जहां से कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा, फर्ज करें मैं ये सामने पहुंचा और सामने समंदर आ गया, कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब इसका मतलब क्या है कि बी के पास कोई चाइल्ड नहीं है, समझ रहे हैं, कटी पहाड़ी बिल्कुल, हर बंदा
जो जिस जगह पे ज्यादा जाता है उसको वही चीजें याद आती हैं। उदय मैंने समंदर कहा था, तुमने कटी पहाड़ी का, इब्राहिम हैदरी। बिल्कुल सही है, पॉइंट क्लियर हो गया, मेरा पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने समझाया आप सबको। तो स्टेट स्पेस समझ में आ गया आपके, सही है। तो ये देखिए, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक का कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको कि आप किस स्टेट पे खड़े हुए हैं, वहां पर कोई एक्शन परफॉर्म करें। आप जिस स्टेट पे खड़े हुए हैं, आप कोई एक्शन परफॉर्म करें, नेक्स्ट स्टेट आपको 100% पता होगी ये आएगी, वो कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक, अदरवाइज स्टोकास्टिक। तो टिकटेक टू जब मैं खेल रहा होता हूँ, मैं कोई भी अटेम्प्ट करता हूँ, मुझे पता होता है मेरी नेक्स्ट स्टेट क्यों क्या आएगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सामने वाला यूजर रुका हुआ है, गेम उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। बेटा प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। आप कराची शहर के मैप पे जाएं तो आप देखें हर किसी से छह छह चौरंगियां निकलनी है, चार चार चौरंगियां निकलनी है, वो पूरा बनाना पड़ेगा आपको। टिक टेक टो का 9 फैक्टोरियल है, और भी मैं आपको गेम बताऊंगा, हर चीज का स्टेट स्पेस अलग होता है। सही है, हर चीज का स्टेट स्पेस अलग होता है। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उसका स्टेट स्पेस बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अभी इस मीटिंग के बाद आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा। तो डिटरमिनिस्टिक स्टोकास्टिक में क्या है कि भाई अगर आपका स्टेट स्पेस आपको आपको नेक्स्ट स्टेट 100% बताओ तो आपको सॉरी नेक्स्ट स्टेट आपको बताओ अपने एक्शन से, तो वो क्या है? डिटरमिनिस्टिक, अदरवाइज स्टोकास्टिक। तो टैक्सी ड्राइवर स्टोकास्टिक क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि भाई सामने वाली टैक्सी अपनी जगह से छग्गा छोड़ सकती है, तो स्टोकास्टिक है। मुझे नहीं पता कि मैं अपना गाड़ी आगे लेके जाऊंगा तो क्या स्टेट आएगी, क्योंकि सिस्टम उनको भी अलाउ कर रहा है कि आप भी मूव कर सकते हो। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोड क्या होता है? एजेंट ने परसीव किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एपिसोड है। तो बस अगर एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट है तो एपिसोडिक है, अगर एपिसोड आपस में डिपेंडेंट है तो सीक्वेंशियल है। ज्यादातर गेम्स जो होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, ज्यादातर गेम्स, पबजी हो गया, कार रेसिंग गेम हो गया, आपस में सीक्वेंशियल है, क्योंकि हर एपिसोड फ्यूचर के एपिसोड पे असरअंदाज हो सकता है। लेकिन जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप कोई पार्ट पिकिंग रिपोर्ट के चेक कर रहे हैं, या आप कोई कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपको कोई चीज बनानी है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो बनानी है वो पिछली चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये एपिसोडिक कहलाते हैं। स्टैटिक एनवायरमेंट वो होता है जो रुका हुआ होता है, डायनेमिक एनवायरमेंट वो होता है जो वक्त के हिसाब से चेंज हो रहा होता है, डिस्क्रीट एनवायरमेंट वो होता है कि जिसमें लेवल बने हुए होते हैं, कंटिन्यूअस एनवायरमेंट वो होता है कि जिसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट, ये मैं आपको बढ़ा रहा था। सिंगल एजेंट क्या होता है कि अगर आपका गेम में सिर्फ एक एजेंट अलाउ है तो सिंगल एजेंट है, गेम नहीं आपके एनवायरमेंट में एक एजेंट अलाउ है। क्रॉसवर्ड क्या है? सिंगल एजेंट। जो कार्ड्स गेम होते हैं, आप कार्ड्स खेलते हैं प्लेयर के साथ, वो मल्टी एजेंट होते हैं। जो कार्ड्स होते हैं वो मल्टी एजेंट होते हैं, ओनो जो है मल्टी एजेंट है, ड्राफ्ट मल्टी एजेंट, चेस मल्टी एजेंट। अब उसमें मल्टी एजेंट में भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, कॉम्पिटेटिव मल्टी एजेंट एंड कॉपरेटिव मल्टी एजेंट। कॉम्पिटेटिव मल्टी एजेंट क्या होता है कि जिसमें एक दूसरे को हराने की कोशिश की जा रही होती है, चेस खेल रहे हैं हम, एक दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन फर्ज करें आप टैक्सी चला रहे हैं तो सामने वाली टैक्सी आपको बचाएगी, ये कॉपरेटिव है। पबजी खेल रहे हैं टू प्लेयर, पर होता होगा टू प्लेयर, बिल्कुल टू प्लेयर गेम होता है अगर पबजी या कोई फाइटिंग वाला गेम जिसमें टू प्लेयर्स होते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, नोन वर्सेस अननोन जो एनवायरनमेंट है वो क्या होते हैं कि कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जिसमें यूजर को सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं। जितने भी गेम्स होते हैं, ज्यादातर गेम्स जिसमें नए नए लेवल्स खुले होते हैं वो अननोन एनवायरनमेंट होते हैं। यूजर उन एनवायरनमेंट में जाता है, फिर समझता है, फिर चीजों में डिसीजन लेता है। कोई तो नहीं है खैराज, ठीक है।